ऑन किया हुआ है खान साहब, हमारी रेड लाइन है। इसका मतलब ये कि अगर ये किसी भी तरह की कोई नीच हरकत करने की कोशिश करते हैं तो हम हर हद क्रॉस कर जाएंगे। हमारे पास डंडे भी, आप देख रहे हैं डंडे भी हैं, पूरा इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइट बिल्कुल प्रॉपरली बैक, बिल्कुल कहते हैं ना जवाब पूरा भरपूर तरीके से दिया जाएगा कि आप लोग, यहाँ खून खराबा होगा, सीरियसली मैं आपको सीरियस बता रही हूँ, यहाँ खून खराबा होगा, यहाँ पुलिस वाले भी मरेंगे, यहाँ कारकुनान भी मरेंगे, यहाँ पीटीआई की खवातीन भी मरेंगी, यहाँ पीटीआई की बच्चे भी मरेंगे। आए मुकाबला कर लें, शौक पूरा कर लें, कितने लोगों को जेलों में डालेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, पूरी आवाम को मारेंगे। तो एक दफ़ा इस तरह करें ना, किस्सा ख़त्म करें, मार मूर के ख़त्म करें हम लोगों को, हम लोग नहीं, हम लोग खुद भी इस तरह के हालात में नहीं रह सकते, तो काम ख़त्म करें। इस तरह की कोई बात नहीं, हम खान साहब को बचाने आए हैं। फिर से बोल रही हूँ, खान साहब हमारी रेड लाइन है, जुर्रत भी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान, मैं अमार हैदर जमान पार्क के अंदर मौजूद है। ख़वातीन की भी यहाँ पर तादाद पहुँच चुकी है जो कि खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इस्लामाबाद से पहुँची थी, लेकिन लाहौर से ख़वातीन भी पहुँच गई हैं, इन्होंने गिरफ्तार नहीं होने दिया, लिहाजा पुलिस को वापस जाना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है ये रोज़ की बुनियाद पर जो आप लोगों को टच किया जाता है कि करंट है या नहीं है, तो वाकई है करंट अभी तक? बिल्कुल करंट मौजूद है, और ये जो चेक करते हैं, एक दफ़ा ही आके अपना शौक पूरा कर ले, पता चल जाएगा कितना करंट है कितना नहीं। और बात आज की आप कहें तो आज सीरियस बात है, अभी हमारे तक कुछ खबरें पहुंची हैं कि इन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद पुलिस की पूरी, इन्होंने वो वाली रोड भी बंद कर दी है जमान पार्क से। तो ठीक है, हम लोग रेडी हैं खान साहब, हमारी रेड लाइन है, जिस तरह ये लोग पहले आए हैं और भागे हैं, शौक पूरा कर ले, हम लोग तैयार हैं। ख़वातीन जब आगे आ जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ख़वातीन से डरे ये। अगर एक औरत बहुत, वो कहते हैं ना, अगर वो होती है ज़रा थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो जब वो औरत गुस्से में आती है तो उसका फिर मज़ा चख लें आके। हम बिल्कुल, हमने वॉर्न किया हुआ है खान साहब, हमारी रेड लाइन है। इसका मतलब ये कि अगर ये किसी भी तरह की कोई नीच हरकत करने की कोशिश करते हैं तो हम हर हद क्रॉस कर जाएंगे। उस बंदे को बचाएंगे, ये इलीगल तरीके से उसको उठा रहे हैं, कोशिश करते हैं, फिर मुंह की खानी पड़ती है, पर इनको समझ नहीं आ रही, इन्होंने दो पेशियां देख ही ली हैं, जिस तरह आवाम निकली है, तो आवाम कितनी पोजेसिव है और कहां तक पहुंच सकती है, इनको अंदाजा हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वाला ट्रेलर इन लोगों को याद नहीं है जो दूसरे दिन गिरफ्तारी का झांसा देने आप लोगों को आ जाते हैं? बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको कुछ भी याद नहीं होता, ये बेवकूफ़ों की तरह आते हैं, फिर चक्कर चुक्कर फेरे पूरे लगा के, अभी भी जैसे उस दिन इन्होंने रात को किया था, लेकिन आज थोड़ा सीरियस है। और हम लोग बिल्कुल यहाँ मौजूद है, हमारे पास डंडे भी, आप देख रहे हैं डंडे भी हैं, पूरा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइट बिल्कुल प्रॉपरली बैक, बिल्कुल कहते हैं ना जवाब पूरा भरपूर तरीके से दिया जाएगा। ये हरकत राना सनाउल्ला करना छोड़ दे, अकेला आए हमारा मुकाबला करे, आए ख़वातीन के पास, तुम तो मेरे एक उंगली के बराबर भी नहीं हो, उल्लू के पट्टे, तुम्हें तो मैं इस तरह बुरी तरह नोचूंगी ना, घटिया इंसान, तुम्हें सड़कों पे तुम्हें घड़ीसेंगे, तुम्हारा कोई पता नहीं क्या गंदी 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 औलाद है ये, बहुत ही गंदा इंसान है। 74 FIR दर्ज कर दी गई हैं खान साहब पे, दहशतगर्दी है ये, क्या है? मेरी बात सुने, 74 FIR दर्ज कर दी, एक भी करप्शन की नहीं है, कितनी फ़नी बात है ये। और वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के दर्ज है FIR, वो पकड़ में नहीं आ रहे कानून के, कितनी बड़ी बात है। तोशाखाना सर पे उठाया है इन लोगों ने, जो इन लोगों के ऊपर तोशाखाना के इतनी चीज़ें इन्होंने उठाई हैं पाकिस्तान से, वो क्या उसका हिसाब कौन लेगा? हम हिसाब हो रहा है ना, तो इकट्ठा करें ना, फिर जरदारी को पकड़ें, लेके आए नवाज शरीफ को पकड़ें, वो जो कह रहा बाहर बैठ के, अगर मैं होता तो आज पाकिस्तान हवा में उड़ा होता, उल्लू के पट्टे तुमने वाकई उड़ा देना था पाकिस्तान को, सोचे इसकी नीयत क्या थी। तो ये चीज़ है, मरियम बीबी वो जो बैठ के सर्जरी मास्टर जाती है यहाँ से पैसे ले उठा के, तो सर्जरियाँ करवाती है, अब उसे अपना शौहर भी पसंद नहीं आ रहा, इसी वजह से सफदर को कभी इधर तो कभी उधर, लल्लू की तरह इधर उधर घूम रहा है वो। तो इन लोगों को पहले पकड़ें, बिलावल भुट्टो को पकड़ें, इनके ऊपर पहले करप्शन जो इनके चार्जेस लगे हुए हैं उनको उठाएं, उनके ऊपर पहले कार्रवाई करें, फिर हमारे खान की तरफ आएं। उसकी प्रॉपर्टी तक, वो अपना इलाज तक पाकिस्तान में करवा रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी मुझे ये बताएं। जो उसकी प्लेटें, वो जो बाहर बैठा हुआ है, उसकी प्लेटें कभी ऊपर चढ़ जाती कभी नीचे आ जाती हैं, वो सही नहीं हो रहा इलाज करवाने के लिए, यहाँ उसकी दाँत में पेट में दर्द हो जाए, उंगली में दर्द हो जाए, बाहर भाग जाते हैं ये लोग, तो ये लोग करवाएंगे। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या रिएक्शन?
रिएक्शन आता है, क्या रिएक्ट देख रही है? बहुत बुरा रिएक्शन आएगा, इट्स अ वार्निंग, यस इट इज, और बहुत 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 बुरा कि आप लोग यहाँ खून खराबा होगा, सीरियसली मैं आपको सीरियस बता रही हूँ, यहाँ खून खराबा होगा, यहाँ पुलिस वाले भी मरेंगे, यहाँ कारकुनान भी मरेंगे, यहाँ पीटीआई की खवातीन भी मरेंगी, यहाँ पीटीआई के बच्चे भी मरेंगे, बिल्कुल होंगे, ये वो वाले हालात है। हाँ, अगर इस तरफ ये कर रहे हैं तो फिर वो मार्शल लॉ की तरफ चले जाएंगे, जो ये लोग चाह भी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार अवाम जो है ना वो बिल्कुल जाग चुकी है, अवाम ये चीज़ आने ही नहीं देगी। खान हमारा इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म बनेगा, ये याद रखें इस चीज़। मुआशी बहरान को पैदा करके, खान की गिरफ्तारी करके, ये टास्क है बकायदा, गिरफ्तार करके मुआशी बहरान को पैदा करके 30 अप्रैल के इलेक्शन को डिले किया जाएगा, बिल्कुल है। और खान साहब को गिरफ्तार करने का तक का ये मामला नहीं है, उनको कत्ल करने का भी मामला है, उनके ऊपर दोबारा कातिलाना हमला होने के भी चांसेस हैं, जो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्या क्या क्या, क्या ये क्या समझते हैं हमें, हम ऐसा होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब आप घड़ी देखें, जोश देखें आप पीटीआई की कारकुनान का, ये खवातीन की बात हो रही है, अभी और लोग भी पहुंच रहे हैं, शहरों से लोग, मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आए मुकाबला कर लें, शौक पूरा कर लें, कितने लोगों को जेलों में डालेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, पूरी आवाम को मारेंगे, तो एक दफ़ा इस तरह करें ना, किस्सा ख़त्म करें, मार मूर के ख़त्म करें हम लोगों को, हम लोग नहीं, हम लोग खुद भी इस तरह के हालात में नहीं रह सकते, तो काम ख़त्म करें, इस तरह की कोई बात नहीं। हम खान साहब को बचाने आए हैं, फिर से बोल रही हूँ, खान साहब हमारी रेड लाइन है, जुर्रत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत शुक्रिया। मुआशी बहरान पैदा किया जाएगा, खान की गिरफ्तारी का टास्क दिया जाएगा, और उसके बाद 30 अप्रैल के इलेक्शन को डिले किया जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। लेकिन बहुत बहुत इंकलाब आने वाला है, और इससे अवाम में एक नया शऊर आया, आप देखिए छोटे से छोटा बच्चा बच्चा इस तरह वो खान साहब को प्रेजेंट कर रहा होता है, जोर जोर इनको कह रहा होता है, तो ये खान साहब ऐसे लीडर हैं पूरी दुनिया में, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में मैं कह रही हूँ पॉपुलर है, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं हमारे बाहर जाने वाले रिलेटिव्स हैं, तो हमें कहते हैं आप लोग बहुत लकी हैं, ऐसे लीडर की कदर करें और इसको बचाएं जितना हो सके। 22 करोड़ लोगों को वो बात समझ आ रही है, नहीं वो नहीं आएगा एक्चुअली कंपनी में, क्यों? क्योंकि ये लोग बस आप जैसे और मेरे जैसे जो लोग हैं ना वो पिस रहे हैं इसमें, इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मुल्क को निचोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, खाना खा रही है, हम खा ली, आप खा ली, मैं खा ली, नौकरियाँ यूथ के पास है नहीं, यूथ बाहर जा रहा है, तरक्की बाहर हो रही है, डॉलर कोई भेज नहीं रहा हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर यकीन ही नहीं है किसी को, ठीक है ना। और आपको मैं आपको बताऊँ, FIA वाले आपसे वैसे डील नहीं कर रहे, वो खान साहब को कह रहे हैं कि भाई वो आपको पता ही अंदर की बात, तो ये चीज़ सामने आ गई है हमारी, अगर ये सिचुएशन नहीं, अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते इस तरह का, फिर पुश करते हैं, तो इस तरह के अंदर करते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि जो मुल्क हमारे साथ है भी ना, आप लोग जाओ नहीं, प्लीज़ उससे कोई उम्मीद नहीं है, वो बस आराम से करते, कोई छोड़ना सा बच्चा है।